हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली, अगर सिलाई मशीन आपकी छोटी मशीन के बारे में बात करेंगे, अगर आपकी छोटी मशीन जो है वो धागा काट रही है या तेज़ तेज़ आवाज़ कर रही है, तो एकदम बढ़िया सा सलूशन लेके आए हैं हम। तो वीडियो को बस लास्ट तक ज़रूर वॉच करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आपकी ये प्रॉब्लम जड़ से समाप्त हो जाएगी। तो चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं, अगर आपकी मशीन तेज़ तेज़ आवाज़ कर रही है तो हम नाल की क्लीनिंग कैसे करें, उसके साथ साथ नाल के अंदर क्या हमें ऐसा करना है ताकि हमारी मशीन धागा काटना बिल्कुल बंद कर दे। अगर आप लोगों की धागा काटने की समस्या है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करें, और अगर नहीं भी समस्या है फिर भी आप देखें, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि एक बार आपने दिमाग में डाल ली तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं यूज में आने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी माता है बहन भाई वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपके लिए हम इतना टाइम निकालते हैं तो बस थोड़ा टाइम हमारे लिए भी निकालें, एक लाइक ज़रूर कर दें और लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ध्यान से देखें, देख सकते हैं हमारी मशीन तेज़ तेज़ आवाज़ कर रही है, काफ़ी तेज़ तेज़ आवाज़ कर रही है ये, और ये मशीन धागा भी काटती है। क्यों काटती है इसका भी कारण हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से मशीन हम अच्छे से इसे खोल पाएंगे, तो इस तरीके से पेचकस से नाल को खोल लें। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर आप लोग कुछ सीखना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप करके ना देखें, ताकि अगर स्किप करके देखेंगे तो फिर आधी अधूरी जानकारी किसी काम की नहीं। तो इस तरीके से इसे खोल लें, और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको आज हम बताने वाले हैं। आपकी मशीन अगर तेज़ तेज़ आवाज़ करती है तो आपको क्या करना है, इस तरीके से इसे खोल लें, देख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस तरीके से इसे निकाल के बाहर कर लें। ये हमारी मशीन तेज़ तेज़ आवाज़ क्यों कर रही है, इसका भी कारण और रीज़न हम आपको बताएंगे। तो इसे थोड़ा साइड कर लें। अब आपको क्या करना है, तो गाइस ध्यान रखें, आपके पास एक ऐसा ब्रश भी होना चाहिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं आज आपको क्या करना है, ताकि आपकी मशीन लाइफ टाइम कभी धागा नहीं काटेगी, और हमारी मशीन तेज़ तेज़ आवाज़ करने की तो बिल्कुल ही कहानी ख़त्म हो जाएगी। बस आपको वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करना है। तो इस तरीके से आपको कपड़ा लेके, और कपड़ा लेके पहले इस तरीके से आपको पोंछ लेना है, चाहे आप ब्रश से इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि आजकल मशीन में धूल मिट्टी ज़्यादा आ जाती है, मौसम ही ऐसा चल रहा हवा वाला। हमारी मशीन में आती, लेकिन आपकी मशीन में नहीं आती तो अच्छी बात है। इस तरीके से गाइस, अगर आपको ये वाला सिस्टम बिल्कुल चेंज करना है, ये वाला सिस्टम, तो ये वाला सिस्टम भी अलग से मिल जाता है मार्केट में, हम लेके आए हैं, आपको दिखाएंगे कितने का आता है वो भी बताएंगे आपको। बस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करते रहें। तो इस तरीके से आपको इसे क्लीन कर लेना है। अब हमें क्या करना है, इसे खोलना है। सबसे पहले इसे ध्यान से देखें, इसे इस तरीके से खोल लें, और ये वाला बोल्ट है इसे साइड में कर लें, इस तरीके से साइड में रख लें। उसके बाद ये वाली पत्ती है इसे भी साइड में रख लें, उम्मीद है आपको सही से समझ में आ रहा होगा। और ये वाला सिस्टम भी अलग रख लें, और देख सकते हैं कितनी काफ़ी गंदगी है इसमें, इसी वजह से हमारी मशीन तेज़ तेज़ आवाज़ कर रही। तो सूती कपड़े से आप इसे सबसे पहले पोंछ लें, इस तरीके से देख सकते हैं काफ़ी गंदगी इसके अंदर जमा हो चुकी है। अगर आपकी मशीन धागा काट रही है तो इसका मेन कारण क्या होता है, इस पत्ती में खरांच आ जाती है, खरांच आने की वजह से हमारी ये मशीन धागा काटने लगती है। तो आपको क्या करना है, आपको रैग माल लेके और इसे अच्छे से इसे घिस लेना है, इस तरीके से ऐसे कर लेना कि इसमें स्क्रैच ना रहें, तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इस तरीके से अच्छे से क्लीन कर लें इसे, फिर हम आपको बताएंगे आपको क्लीनिंग करने वाला ऑयल कौन सा लगाना है इसमें। तो गाइस ध्यान दें, क्या करना है आपको, ये वाला पेंच खोलकर इस पेंच को भी खोल लें, अगर आपका पेंच का था तो इसे भी खोल सकते हैं, इसे खोलकर और अच्छे से क्लीनिंग कर लें, ताकि ये समस्या दोबारा रहे ही ना। अगर आपकी पत्ती ये वाली ख़राब हो गई है तो हम पत्ती भी आपको ला कर दिखाएँगे, कितने की आती है वो भी बताएँगे। बस वीडियो को अच्छे से वॉच करें और पेंच को खोने से बचाएं, ध्यान रखें पेंच अगर खो गया तो फिर सारी प्रॉब्लम ही समाप्त हो जाएगी, इसलिए ध्यान रखें। इस तरीके से पेंच को खोलकर अलग कर लें, इस तरीके से अच्छे से पेंच को साफ कर लें, देख सकते हैं गाइस पत्ती की दशा क्या हो चुकी है, इसी वजह से हमारी मशीन ज़्यादातर धागा काटने लगती है। तो इस तरीके से आपको गंदगी हटा लेनी है इसकी। गंदगी हटाने का सबसे आसान तरीका हम आपको बताते हैं, आपको इस तरीके से ब्रश लेना है, इस तरीके से
और थोड़ा ऑयल ले लेना है इस तरीके से, इस तरीके से ऑयल को इसमें थोड़ा डाल लें, थोड़ा लेना, ज़्यादा नहीं लेना। इससे हमारा ये हमारी पत्ती देखना कितनी जल्दी क्लीन होती है, इस तरीके से। अभी देखना सिर्फ 2 मिनट में पत्ती एकदम चकाचक हो जाएगी और आपकी मशीन भी धागा काटने की समस्या ख़त्म हो जाएगी। इस तरीके से आपको क्लीन कर लेना है। और अब ऐसे भी ना क्लीन हो तो आपको क्या करना है, इस तरीके से पट्ठे पे घिस लें, किसी पर भी इस तरीके से घिस सकते हैं तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। तो गाइस इस तरीके से साफ कर लें, तो इसे साफ़ कर लें अच्छे से, इसे साफ़ रखें, ठीक है। तो चलिए हम इसे दोबारा कस देते हैं और आपको यहाँ पर भी अच्छे से क्लीन कर लेना है। सबसे पहले आप इसे भी इसी तरीके से, इसी फार्मूले से रगड़ें ताकि ये झंझट बार बार की ना रहे, एक ही बार में साफ हो जाए। देख सकते हैं एकदम हमारी ये क्लीन हो गई है। तो चलिए ये चीज़ हमने क्लीन कर ली है, अब हमारी मशीन पत्ती से धागा बिल्कुल नहीं काटेगी। और रेगमाल लेके इसकी सफाई अच्छे से कर लें ताकि ये झंझट बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। तो अब आपको क्या करना है, पत्ती को कस लेना दोबारा जैसे हमने खोला था। तो देखें कैसे लगाई जाएगी पत्ती को, जिस तरीके से पत्ती हमारी लगती है, जैसे हमने खोली थी वैसे ही पत्ती को लगा दें दोबारा। काफ़ी बारीकी से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। फ़ायदा क्या है फिर इतनी मेहनत भी करें और काम भी ना हो। तो अगर आपकी मशीन तेज़ तेज़ आवाज़ कर रही है, जाम चल रही है, तो ये वीडियो इसीलिए हमने बनाया है। तो इसे पेंच को आसानी से कस लें, जैसे हमने खोला था वैसे ही इसे कस लें। दूसरा बोल्ट कस के देख लें, अगर ये नहीं आ रहा तो इसे अच्छे से टाइट कर लें। तो भाई ये काम तुम्हारा हो गया, ये हमारी पत्ती एकदम ओके हो गई है, अब आपकी मशीन धागा नहीं काटेगी। तो अब आपको क्या करना है, ऑयल तो कभी बिल्कुल सूख गया है, तो चलिए ऑयल और ले लेते हैं थोड़ा, और इस तरीके से ऑयल को डाल के अब हमें क्या करना है, इस तरीके से अच्छे से इसकी क्लीनिंग कर लें। आपकी मशीन की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी अगर आपकी मशीन तेज़ तेज़ आवाज़ करती है। इसके बाद आपको ऑयल कौन सा लगाना है ये भी ध्यान दें, वीडियो को ध्यान से देखें तभी आपको पता चलेगा। तो चलिए इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर अच्छे से क्लीनिंग कर लेना है। तो इस तरीके से आपको क्लीनिंग कर लेनी है अच्छे से। इस तरीके से आपको अच्छे से इसकी भी क्लीनिंग कर लेनी है। तो गाइस वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हम अच्छे से बारीकी से समझाते हैं। बीमारी की जड़ तक जाना चाहिए, ऊपर ऊपर से अगर हम आपको बता दें तो आपको भी मज़ा नहीं आएगा और हमें भी मज़ा नहीं आएगा। तो चलिए आपको क्या करना, इन पत्तियों को भी अच्छे से क्लीन कर लें। तो अच्छे से क्लीन कर लें, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए आपको थोड़ा शॉर्ट में अब समझाएंगे ताकि वीडियो भी लंबा ना हो, आप लोग बोरियत भी महसूस ना करें। तो अच्छे से क्लीन कर लें, उसके बाद ऑयल कौन सा लगाना है, आपकी ये मशीन धागा काटना बिल्कुल बंद कर देगी। और समस्या कहाँ पे होती वो भी मैं आपको बताते हैं, अगर आपकी मशीन में ये वाली पत्ती कट गई हो तो फिर आपकी मशीन धागा 100% काटेगी, तो आपको फिर पत्ती चेंज करनी है।
तो कमेंट ज़रूर करें, तो हम आपको पत्ती चेंज करना ज़रूर बताएंगे। तो चलिए इसे हम इस तरीके से लगा देते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये चीज़ कस लेनी है ऐसे करके, इस तरीके से लगा लेनी है। इसमें ऑयल कौन सा लगाएं वो भी ध्यान से देखें, आपके पास अगर नारियल तेल का नारियल ऑयल है तो इस तरीके से इसमें ज़रूर टपका लें, ताकि हमारी मशीन तेज़ तेज़ आवाज़ ना करे। इससे हमारी मशीन कुछ हद तक आवाज़ तेज़ तेज़ करना बंद कर देती है। देख सकते हैं बिल्कुल इसमें आवाज़ का नाम नहीं रहा है। तो अब आवाज़ अगर तेज़ करेगी तो वो कहाँ से करेगी, वो भी हम आपको बताएंगे। तो इस तरीके से हमें इसे भी लगा लेना है अच्छे से। तो गाइस अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपकी लाइक की वजह से ही हम वीडियो बनाते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इस तरीके से इस तरीके से कस लें। देख सकते हैं यहाँ की तो बिल्कुल आवाज़ ही चली गई है, देख सकते हैं। तो अब आपको क्या करना, अगर अब आवाज़ कहीं और से आ रही है, इस तरीके से आ रही है, तो ये आवाज़ हमारी कहीं दूसरी जगह से आ रही है, तो वो भी हम आपको बताएंगे। नाल में अगर आवाज़ आ रही है तो आपको यही सिस्टम यूज करना है, इसी तरीके से नाल की आवाज़ को सही किया जाएगा। उसके बाद एक बात और समझ लें, अगर आपकी मशीन में अगर धागा काट रही है, अगर जे वाली पत्ती, अगर इसे डोंगी की पत्ती बोलते हैं, अगर ये कट गई हो तो फिर आपकी मशीन धागा काटेगी, फिर आपकी मशीन के लिए ये पत्ती ही चेंज करके लानी पड़ेगी। तो हम आपको पत्ती भी दिखाते हैं आपको कौन सी पत्ती लेके आना है, ताकि आपकी ये समस्या दूर हो सके। तो चलिए दिखाते हैं आपको, पत्ती भी हम लेके आए हैं गाइस। तो ध्यान से देखें, ये वाली हमारे पास पत्तियाँ हैं, ये वाली पत्ती लेके आए हैं गाइस। ये वाली पत्ती लगाने से फिर हमारी मशीन अगर तेज़ तेज़ आवाज़ कर रही है तो बिल्कुल नहीं करेगी। देख सकते हैं ये वाली पत्ती ज़रूर लेके आए। तो चलिए इसे अभी हम रख देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको लगा के ज़रूर दिखाएंगे। तो अब आप इसे कस लें इस तरीके से, कमेंट करके ज़रूर बताएं भाई कि आपको पत्ती लगाना आता है नहीं आता है। अगर पत्ती आपकी ख़राब हो गई है तो कैसे लगाएं, कहां से लेके आएं, कितने की मिलेगी, सारा कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में ज़रूर बताएंगे। तो आज हमने आपको नाल की क्लीनिंग बताई है, इससे हमारी मशीन तेज़ तेज़ आवाज़ करना बंद कर देगी। अगर धागा काट रही है तो वो भी समस्या आपकी दूर हो जाएगी, देख सकते हैं। तो देख सकते हैं ये धागा काटने की समस्या भी दूर हो जाएगी और नाल की क्लीनिंग भी अच्छे से हमने कर दी है। तो दोनों पेंच बराबर मात्रा में कसें, ऐसा नहीं एक पहले कस दिया एक बाद में कस दिया, तो फिर हमारी मशीन भारी चलने लगेगी और सब दिक्कतें ही दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपको टाइट कर लेना है, ऐसे करके टाइट कर लें और ये नाल तो हमारी सही चलने लगी है। अगर अब और कहीं से आवाज़ आ रही है तो वो आपको देखना पड़ेगा, और वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि हमारे पुर्जे कौन कौन से कटे हुए हैं। इस मशीन में तो काफ़ी पुर्जे कटे हुए हैं, देख सकते हैं। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, ये गोली कटी हुई है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर चेंज करके दिखाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी माताएं बहनें भाई वीडियो देख रही हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए मशीन भी चला के दिखाते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारी मशीन भी सही चल रही है, अभी कोई दिक्कत नहीं दे रही है। अगर कोई भी दिक्कत होगी तो उसे भी हम ठीक करके दिखाएंगे। तो देख सकते हैं आवाज़ ज़रूर कर रही है, लेकिन अभी धागा नहीं काट रही है। लेकिन ध्यान रखें, डोंगी की पत्ती चेंज करेंगे तो आपकी मशीन और भी कम आवाज़ करेगी। तो देख सकते हैं मशीन मेरी एकदम ओके चल रही है। तो आप लोगों से गुजारिश है, जो भी माता है मैंने भाई वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।